हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रत्युषा और एनएसएन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर फिर से एक बार आपके पास हाजिर हैं। तो इस हफ्ते के वीडियो में हमारा फोकस रहेगा जो रिसेंटली 5G लॉन्च हुआ है उसके ऊपर। 5G का लॉन्च स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पर कितना इम्पैक्ट डालेगा और 5G के लॉन्च होने के बाद टेलीकॉम सेक्टर के साथ साथ अन्य सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट की मांग कितनी बढ़ जाएगी, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हमारा फोकस रहेगा। तो बिना ज्यादा देरी किए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस ना करें। सरकारी कौशल विकास परियोजनाएं, अप्रेंटिसशिप्स और समाचार, 4 अक्टूबर 2022। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL ने ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किया है। इसमें एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किया है। इसमें एप्लीकेशंस को सबमिट करने का लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2022। अगर इनमें से किसी भी अप्रेंटिसशिप के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जो डेडिकेटेड पेज है वहां पर विजिट करके सारे जानकारी पा सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के साथ साथ हमारे वेबसाइट पर जॉब्स एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेडिकेटेड पेजेस भी है जहां पर कि हम इन दोनों के बारे में रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। तो उन दोनों पेजेस को भी चेक करना मत भूलिएगा। ये सारे लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो आपको ये सारे पेजेस विजिट करने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की उद्योग और एकेडमी से रिलेटेड कुछ कौशल विकास समाचार से। टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ साझेदारी में टेलीकॉम डिपार्टमेंट कुशल कार्यबल के लिए 5G प्रौद्योगिकी में 1 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने जा रही है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली 5G को लॉन्च कर दिया गया है और 5G के लॉन्च के साथ साथ देश भर में 5G से रिलेटेड स्किल्स की मांग बढ़ गई है। तो इसके लिए स्किल गैप को पूरा करने के लिए ये टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ टेलीकॉम डिपार्टमेंट की एक पहल है। 5G भविष्य में भारत में सेना से लेकर यातायात और मौसम तक ड्रोन नवाचार को बढ़ावा देगा। 5G की शुरुआत के साथ क्षेत्र से क्लाउड आधारित ड्रोन मैपिंग प्लेटफॉर्म पर तेजी से डाटा अपलोड होने की उम्मीद है। तो 5G आगे चलकर ड्रोन क्षेत्र में भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। UGC ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस या विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित किया है। विशेषज्ञों के लिए न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। उद्योग और एकेडमी से कुछ और अपडेट्स। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी कि DGT ने सीखने वालों के लिए एक नई सुविधा भारत स्किल्स फोरम शुरू की है। इसे DGT द्वारा विकसित भारत स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया है। कौशल विकास और उद्यमिता और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार भारत सरकार शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। छात्रों की रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता कौशल में सुधार लाने के लिए कई परियोजनाओं पर एक साथ सहयोग करने के लिए इग्नू और NSDC द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये थे इस हफ्ते के स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड हाइलाइट्स। अगर इनमें से किसी भी अपडेट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर इसका जो वेब वर्जन अवेलेबल है उसे चेक करना मत भूलिएगा। उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए ये थे हमारे इस हफ्ते के न्यूज बाइट्स का वीडियो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।